अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी मिठाई लेके आए हैं जो कि एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई है। तो व्यूअर्स, चले देखते हैं हमें इस मिठाई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम एक पैन ले लिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर गैस का फ्लेम हम ऑफ़ किए हैं, यानी गैस का फ्लेम ऑन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इसमें अब डालना है 1 टेबल स्पून घी, 1 बड़े चम्मच घी डाल देंगे, और इसमें हम गरम गरम दूध डालेंगे 1 कप। अगर गरम दूध नहीं है आपके पास तो गैस का फ्लेम ऑन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना कि गैस का फ्लेम घी और दूध के मेल्ट होने तक हमें अच्छे से ऑन करना है। उसके बाद फिर इसका गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम गरम गरम दूध ले लिए हैं, तो गैस का फ्लेम ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑफ में हम अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। यहाँ पे हम बना रहे हैं मिल्क पेड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो 1 कप हम यहाँ पे मिल्क पाउडर ले लिए हैं, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब एक थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो उसमें लम्स हो जाते हैं, तो लम्स को हमें इसमें नहीं लाना है। हमें अच्छे से चम्मच चलाते हुए इसके लम्स को मेल्ट करना है। अगर व्यूअर्स, अगर हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे तो ये हमारे जो मिठाइयाँ हैं ना, ख़राब हो जाएंगी, गिठलियाँ पड़ जाएंगी। तो अच्छे से हमें मिक्स करना है। गैस का फ्लेम अभी हम बिल्कुल नहीं ऑन करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करके इसे अच्छे से हमें मिलाना है, तकरीबन 1 मिनट तक। ये बहुत जल्दी गाढ़े होने लगते हैं, तो आप इसके लुक देख सकते हो, इसका टेक्सचर देख सकते हो, कितने अच्छे से ये मेल्ट हो रहे हैं। और गिठलियाँ अगर रहें तो आप परेशान ना होइएगा, इसे अच्छे से चलाते हुए हम देख सकते हैं। बस अभी 1 से 1.5 मिनट हुए हैं और ये हमारे गाढ़े हो रहे हैं मिल्क पाउडर। तो चम्मच की मदद से इसे हमें ऐसे ही फैला लेना है। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका टेक्सचर हो गया है। तो अब इसमें हम अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, देख सकते हैं यहाँ पे दो हमारा बनकर रेडी हो चुका है मिठाई का। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे एक हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि शक्कर इसमें हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर हम शक्कर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पतले लिक्विडी फॉर्म में आ जाएंगे, फिर हमारे पकाने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब इस ये जो मिक्सचर है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे शक्कर पीस कर, यानी शुगर पाउडर डालेंगे। तो ये अब इसको हम रख देते हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये ठंडे हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे मिक्सचर ठंडे हो चुके हैं, एकदम अच्छे से ठंडा होने चाहिए। अगर ज़रा भी गर्म रहेंगे और इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे तो ये फ़ौरन से एकदम पतले हो जाएंगे। तो ये हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 3 चम्मच शक्कर लेकर इसका हम पाउडर बना लिए हैं, इसमें डालकर इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि जैसे हम आटा गूंथते हैं ना रोटी का, वैसे ही इसे अच्छे से हमें मिलाना है। और ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो आपको यही थोड़ी बात ख्याल करना पड़ेगा कि गर्म मिक्सचर बिल्कुल ना रहे, और ये कुछ ही सेकंडों में ये अच्छे से बन जाएंगे। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स, अगर लगे कि आपको हमारा डो बहुत पतला है तो 1 से 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छे से सुखा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो फिर हमारी मिठाइयाँ पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब एक हम चम्मच ले लेंगे, तो चम्मच की मदद से फिर हमें बराबर की शेप में पेड़ा बनेगा। तो हम 1 चम्मच लेकर इसको हाथों पर पलट लेंगे। आप चाहें तो हाथों में घी लगाकर इसे अच्छे से पेड़ा बना सकते हो। अब यहाँ पे हमारा पेड़ा बन चुका है। अब इसमें हाथों की मदद से हम थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसमें हम भरने वाले हैं पिस्ता, यानी पिस्ता बारीक काट कर इसमें हम भरने वाले हैं। आप बादाम भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल आप डाल सकते हो। अब ये हमारा पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम सारे पेड़े को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हमारा मिल्क पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इतना सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है। इसका लुक आप देख सकते हो, ये ना चीव है ना एकदम बहुत ज़्यादा कड़क है, एकदम सॉफ्ट। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त हमारा पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसका लुक आप देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये रेसिपी आप 10 मिनट के अंदर बनाकर रेडी कर सकते हो, और वो भी एकदम अलग स्टाइल में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी व्यूअर्स? अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। और अगर हमारे वीडियो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मिलती रहे। थैंक यू।